हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर में बॉडी ऑर्डर स्वीट से ऑल डे कैसे फ्रिज लग सकते हो। कुछ सिंपल सा हैक है जिससे आप एट्रैक्टिव और गुड लुकिंग लुक अचीव कर सकते हो। अजीब सा स्मेल आता है, बॉडी ऑर्डर भी कम होगा। समर के टाइम पे आपने आपको फ्रेश और बॉडी ऑडर से दूर रखने के लिए बिकिनी एरिया का हेयर रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइम टू टाइम वो करें, अपने अंडर आर्म का हेयर रिमूव करें एंड अपना वैक्सिंग या फिर शेविंग, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल फील करवाए वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हेयर रिमूव रहेगा इसमें स्वीट होल्ड नहीं करेगा और बॉडी ऑडर भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो फ्रेश और बॉडी ऑडर से भी दूर रह सकते हैं। समर में दिन में दो बार नहाना चाहिए जिससे एक्सेस स्वेट एंड बैक्टीरिया रिमूव हो पाए एंड नहाने के लिए अच्छा स्मेल वाले बॉडी वॉश यूज करें जिससे आपके पास से अच्छी स्मेल आए। बॉडी ऑडर एंड घमोरी को खत्म करने के लिए ये रेमेडी को जरूर फॉलो करें। एक मग पानी, कुछ बूंदे टिट्री एसेंशियल ऑयल, उसके बाद हाफ नींबू, उसको निचोड़ के एक मग पानी के साथ उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो। तब तक आप शैम्पू, बॉडी वॉश, कुछ भी आपका जो भी और अदर्स पार्ट है उसको आप क्लीन कर लीजिए। कोई भी बॉडी वॉश कर रहे हो उसको सर्कुलर मोशन में बॉडी में अच्छे से घुमा घुमा के क्लीन करो, उससे आपका बॉडी में जितना स्वेट है बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है एंड डर्ट्स भी उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इससे आप पूरा दिन अच्छा स्मेल करोगे और आपका बॉडी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। पूरा नहाने के बाद लास्ट में जो वॉश होगा वो टी ट्री एसेंस वाटर से होगा, इससे बहुत अच्छे स्मेल करोगे, बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से किल करता है। नेक्स्ट टिप्स है समर में ब्रीदेबल कपड़े पहने जिससे आपका बॉडी ऑडर एंड स्वेट को मैनेज कर सके। कॉटन बेस्ट होता है समर के टाइम पे, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहना करें, कुर्ती पहने, ड्रेस पहने, लॉन्ग ड्रेस पहने, जो आपको सही लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। एंड आप समर के टाइम पे लाइलन के कपड़ों को एकदम से इग्नोर करें, क्योंकि उससे आपके बॉडी ऑर्डर को होल्ड करके रखता है एंड उससे बहुत गंदा एक स्मेल भी आता है। तो वो सारी चीज़ को आप इग्नोर करें एंड ऐसे ड्रेस पहने जो आपके बॉडी को सूट भी करे, स्टाइलिश भी लगे एंड समर को भी इंजॉय करो। जैसे मैं गोल गोल घूम के कर रही हूं वैसे मेरा ड्रेस कैसा है जरूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट टिप से समर के टाइम पे बॉडी से एक अच्छा स्मेल आए, धीमी धीमी सी खुशबू आए, उसके लिए चाहिए हमें कोई अच्छा सा बॉडी लोशन और उसके साथ साथ कोई अच्छी सी बॉडी मिस्ट। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप पूरा बॉडी में अप्लाई करें, उससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट भी नहीं होगा, ऑडर भी नहीं फील होगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और बहुत अच्छा फ्रेश फील आएगा, क्योंकि धीमी धीमी सी एक खुशबू आएगी जो आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड बॉडी मिस्ट ही यूज़ करना, कोई भी परफ्यूम यूज़ मत करना, क्योंकि बॉडी मिस्ट स्किन के लिए फ्रेंडली होता है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मैं यहाँ पे मेसो का बॉडी मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। एंड बॉडी लोशन भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, विश केयर का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग ये हैक ज़रूर ट्राई करना समर में, आपको बहुत अच्छा फ्रेश और कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। समर के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सबको ही फेस करते हैं, समर के टाइम पे फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ग्रीजी लगता है, चिपचिपापन लगता है, डलनेस लगता है एंड फ्रेश तो दिखता ही नहीं है, मेकअप भी करो तो वो तो रहता ही नहीं है। तो समर के टाइम पे फेस ब्लोटिंग पेपर मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपके पास होना चाहिए, आपके बैग में भी होना चाहिए, चाहे आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, आपके पास रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक्सेस जो ऑयल रहता है फेस में रिमूव कर देता है एंड फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। आप अगर मेकअप भी कर, मेकअप को रिमूव नहीं करता है पर मेकअप के ऊपर जो एक ऑयल आ जाता है उसको रिमूव कर देता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है फेस, बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखता है। तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है समर के लिए। एंड मेरा स्किन में जितना एक्सेस ऑयल था, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगाया था, तो वो जितना ऑयल था वो सोक कर लिया है एंड उसके बाद मेरा फेस अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश भी दिख रहा है। तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आप लोग जरूर ट्राई करना इस समर के टाइम पे। समर के टाइम पे कम ज़्यादा हम सब कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं बॉडी में अच्छा फ्रेग्रेंस के लिए,
पर ये लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं रहती है, थोड़ा देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो हमेशा परफ्यूम यूज़ करो तब अपने रिस पे अप्लाई करो, क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और कभी भी परफ्यूम लगा के उसको घिसना नहीं है, हमेशा डैप डैप करो ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। और आप कान के पीछे भी स्प्रे कर सकते हो, इससे भी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके बॉडी में फ्रेग्रेंस होल्ड करके रहेगा और आप बहुत अच्छे से स्मेल करोगे। परफ्यूम हमेशा अच्छे ब्रांड का यूज़ करें और आप भी इस फूलों की तरह महकते रहिए। समर के टाइम पे हम लोग बाहर से जब घर आते हैं तो रूम में भी एक अजीब सा स्मेल रहता है एंड फ्रेश भी फील नहीं होता है। एंड उस टाइम पे कोई अगर गेस्ट आ गए तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो हमेशा अपने रूम पे फ्रेशनर रखा करें, रूम फ्रेशनर। यहाँ पे मैं मिनीसो का यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड 200 के अंदर भी आ जाता है, तो बजट फ्रेंडली है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा रूम फ्रेशनर यूज़ करो सुबह एंड शाम को, ताकि रूम आपका फ्रेश रहे, अच्छा स्मेल रहे और अब भी अच्छा फील करो। अगर आप बॉडी ऑडर को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हो तो ये प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करो। चाहे आपको कितना भी बॉडी ऑडर क्यों ना हो, आपके अंडरआर्म पे इचिंग होता हो या फिर घमोरी होता हो, तो ये सोल्यूशन आप यूज़ करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कोई भी खाली कंटेनर में आपको पानी लेना है, एक्वागार्ड का पानी लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तसे आप 10 से 12 दिन इसको स्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद टीट्री एसेंस लेना है 10 से 12 ड्रॉप, डिपेंड करेगा कंटेनर कितना बड़ा छोटा है। उसके बाद 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल इसमें डालोगे, उसके बाद इसको अच्छे से कैप में एयर टाइट कैप लगा ला, उसके बाद सेक कर लेना, हो गया रेडी आपका सॉल्यूशन। इसको दिन में 2 बार आपको यूज़ करना है, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि वाटर है। और जब भी यूज़ करोगे इसको अच्छे से सेक कर लोगे, उसके बाद अपने अंडरआर्म पे इसको स्प्रे कर लोगे, आपके अंडरआर्म पे जितना भी बैक्टीरिया है, बैड ऑडर है, वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड लॉन्ग लास्टिंग आपको इतना अच्छा फ्रेग्रेंस देगा क्योंकि यहाँ पे टिट्री ऑयल है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो बहुत सेफ है। आप आराम से इसको यूज़ करो। जो लोग कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, टीनेजर है, तो आप लोग इसको 2 टाइम ज़रूर यूज़ करना, बजट फ्रेंडली भी है और इसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ज़रूर आप लोग ट्राई करना। एक कुत्ता क्यों भौंक रहा है? मैं चुप हो जा, इसको अभी भौंकना था। मेरा कुत्ता तो बाहर गया है घूमने। बस हो गई, YouTube का वीडियो हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी ऑडर होता है तो ये आपके खाने की वजह से भी हो सकता है। कोशिश करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी ऑडर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल हो रहा है, तो खाने पे भी आप वो सारी चीज़ ना खाएं, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, ये सारी चीज़ ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं कुछ टाइम तक, जब तक आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी खाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर पीजिए, डिटॉक्स करिए बॉडी को, क्योंकि आपके बॉडी में जब हमारे बॉडी स्मेल करता है, जब बैड ऑडर देता है, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बैड टॉक्सिंग होल्ड किया हुआ रहता है जिसको रिमूव करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्स वाटर पीजिए ताकि बॉडी से वो फ्लैश आउट आए और आप फ्रेश लगे। एंड उससे आपका एक चीज़ और होगा कि ज़्यादा जो स्वीट होता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। एंड मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटॉक्स वाटर का रेसिपी है, तो कोई भी पिक करके एक आप फॉलो कर सकते हो। समर के टाइम पे बॉडी के साथ साथ हमारे हेयर से भी एक अजीब सा स्मेल आता है। एंड समर के टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम लोग गेट टुगेदर नहीं करते, किसी शादी को अटेंड नहीं करते, फिर फंक्शन में नहीं जाते, ये रोज़ नहीं करना है, पर आप कभी कभी कर सकते हो। कोई भी कोम लेके आप आपके जो भी फेवरेट परफ्यूम है उसको अच्छे से स्प्रे करने के बाद अपने हेयर पे अच्छे से कोम कर सकते हो। ये आपको रोज़ नहीं करना है, कभी कभी अगर कोई ओकेशन हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, आप हेयर वॉश नहीं कर पाए हो,
तब आप कर सकते हो ताकि आपके हेयर से एक अच्छा से स्मेल आए, ताकि आप जब किसी को हग करो या फिर किसी के साथ जब क्लोजली बात करो तो आपको ऑकवर्ड फील बिल्कुल भी ना हो। तो ये सारे चीज़ आप तब फॉलो कर सकते हो, पर बार बार बोल रही हूँ इसको बार बार नहीं करना है, कभी कभी ओकेजनली ही आपको ये हैक फॉलो करना है। हेयर के लिए स्पेशली परफ्यूम एंड हेयर मिस्ट भी आता है, आप चाहो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। समर के टाइम पे बॉडी के हीट को कंट्रोल करने के लिए अब तरबूज ज़रूर खाना, ये इंस्टेंट बॉडी को कूल करता है, हाइड्रेट करता है, जितना भी आपके बॉडी में बैड टॉक्सिन है उसको रिमूव करता है। आप समर के टाइम पे खीरा भी खा सकते हो, क्योंकि ये सारे जो फ्रूट्स है आपके बॉडी में जो इंस्टेंट जो हीट रहता है उसको तो कूल डाउन करता ही है, एंड इंस्टेंट जो टॉक्सिन है बैड टॉक्सिन उसको भी रिमूव करते हैं। तो ज़रूर अपने डाइट पर ये सारे फ्रूट को इंक्लूड करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपके बॉडी पे जो भी बैड टॉक्सिन है वो तो रिमूव होगा, स्वेट भी कम होगा, स्वेट कम होगा तो बॉडी का जो ऑर्डर है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करना। गर्मियों के टाइम पे हम सारे लड़के एक चीज़ बहुत फेस करते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है हेयर। हेयर में बहुत ज़्यादा स्वेट के वजह से हेयर ग्रीसी दिखता है, चिपचिपा दिखता है, ऑयली दिखता है। तो इसको क्विकली फिक्स कैसे किया जाता है, तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। कोई भी ड्राई शैम्पू लेना है, उसके बाद अच्छे से इसको सेक करना है एंड देन पार्टीशन करना है को, हमें से स्प्रे थोड़ा सा दूर से करना है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का हाथ से रब करना है। समर के टाइम पे आप सिंपल से हेयर स्टाइल बना सकते हो, जैसे कि बन बना लिया एटलीस्ट डे टाइम पे, क्योंकि डे टाइम पे ओपन हेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है एंड जब स्वेट होता है तो पूरा लुक बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो बन बना लोगे, एक अच्छा सा क्लचर को ऐड कर लोगे तो वो बहुत ज़्यादा पिंट्रीज गर्ली वाइब देता है। लाइट वेट ड्रेस पहनो ताकि थोड़ा सा अच्छा भी दिखे एंड आप कंफर्टेबल भी रहो। समर के टाइम पे अपना नीट एंड क्लीन लुक को कैरी करने के लिए आप अपने हेयर एंड ड्रेस पे ध्यान दो कि आप क्या पहन रहे हो, क्या कैरी कर रहे हो, एंड ऐसे ही क्लचर आप यूज़ करो, इससे बहुत अच्छा एट्रैक्टिव एक हेयर स्टाइल मिल जाता है। लास्ट टिप्स है अंडरआर्म रोलर। समर के टाइम पे नहाने के बाद दो टाइम आप अंडरआर्म रोलर को यूज़ करें, इससे आपको जितना भी ऑर्डर आता है अंडरआर्म से वो भी कंट्रोल में आएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ज़रूर इसको अपने रूटीन पे ऐड करो और हैप्पी रहो। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरी सारी सिस्टर के लिए ये फूल आप लोग एक्सेप्ट करो, और मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहो, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।